अपना जो उसका मूल वासी होता है या लोकल होता है उसको उसके इंटरेस्ट का रक्षा करता है। तो झारखंड भी हमारा अलग नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कोई कहता है कि नहीं यहाँ के 100% आरक्षित कर दो या 90% कर दो, देखिए ये सब इमोशन में लाकर हम लोग अल्टीमेटली सब लोग भारत के नागरिक हैं, कोई झारखंड का नागरिक नहीं है। हमारे झारखंडी भाई बहन भी जो हैं प्लान करके बाहर जा रहे हैं, हमें उनकी बात भी सोचनी है। लेकिन ये जरूर है कि झारखंड खतियानी मोर्चा संविधान सम्मत एक ऐसे नियोजन नीति का प्रस्ताव लाएगा जो सभी के अधिकारों की रक्षा करेगा। कोई भी झारखंडी है उसको डरने की जरूरत नहीं है। आज हम अगर 100% रिजर्व कर दें या 90% रिजर्व कर दें, उस आरक्षण नीति का या नियोजन नीति का उपयोग करके हम लोग कभी भी कोई नियोजन नहीं कर सकते। बहुत जल्दी हम लोग झारखंड खतियानी मोर्चा के बैनर तले एक नियोजन नीति जो संविधान सम्मत होगा। मैं राम नरेश यादव, आम आवाम विकास मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारी पार्टी झारखंड खतियानी मोर्चा के साथ काम कर रही है। झारखंड खतियानी मोर्चा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऐसे पार्टियों और लोगों का गठबंधन है जो झारखंड की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं। यह मोर्चा सामूहिक चिंतन, सामूहिक निर्णय और सामूहिक नेतृत्व के काम पर करेगा और हमारा जो मोर्चा है यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन चाहता है। मेरा सीधा सा सवाल रहे, जब खतियानी मोर्चा का हिस्सा है तो आपको स्थानीय नीति और झारखंड के नियोजन नीति को लेकर क्या परसेप्शन है? देखिए, जो स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है, इसके बारे में झारखंड खतियानी मोर्चा का बहुत स्पष्ट सोच है कि हमें झारखंडियत की रक्षा करते हुए झारखंड का विकास करना है। और जो नियोजन नीति है वो उसको संविधान सम्मत, अभी हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को प्रकाशित करेंगे, वो संविधान सम्मत नियोजन नीति बनाया जाएगा। जो देखें, प्रत्येक राज्य अपना जो उसका मूल वासी होता है या लोकल होता है उसको उसके इंटरेस्ट का रक्षा करता है। तो झारखंड भी हमारा अलग नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कोई कहता है कि नहीं यहाँ के 100% आरक्षित कर दो या 90% कर दो, देखिए ये सब इमोशन में लाकर हम लोग अल्टीमेटली सब लोग भारत के नागरिक हैं, कोई झारखंड का नागरिक नहीं है। हमारे झारखंडी भाई बहन भी जो हैं प्लान करके बाहर जा रहे हैं, हमें उनकी बात भी सोचनी है। लेकिन ये जरूर है कि झारखंड खतियानी मोर्चा संविधान सम्मत एक ऐसे नियोजन नीति का प्रस्ताव लाएगा जो सभी के अधिकारों की रक्षा करेगा और वो कोई भी झारखंडी है उसको डरने की जरूरत नहीं है। आज हम अगर 100% रिजर्व कर दें या 90% रिजर्व कर दें, उस आरक्षण नीति का या नियोजन नीति का उपयोग करके हम लोग कभी भी कोई नियोजन नहीं कर सकते। और उसका अल्टीमेट सफरर हमारा राज्य हो रहा है। बहाली नहीं होने से केवल ऐसा नहीं है कि युवा जिसको नौकरी नहीं मिलती है वही प्रभावित हो रहा है, आज हमारे बच्चों को अच्छे शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, हमारी जो ओब्लिगेटरी सर्विसेज है गवर्नमेंट का उसके लिए अगर एक एक अधिकारी हैं उनके पास 10-10 डिपार्टमेंट है, आप बताइए वो क्या काम होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एक ऐसी नियोजन नीति बनाई जाए जो संविधान सम्मत हो और जिसको चाहे वो कोई भी कोर्ट में जाए वो उसको कोई चैलेंज करे, चैलेंज तो होना स्वाभाविक है जब पब्लिक सेक्टर में हम काम करते हैं। तो बहुत जल्दी हम लोग झारखंड खतियानी मोर्चा के बैनर तले एक नियोजन नीति जो संविधान सम्मत होगा और यहाँ के आदिवासी मूल वासियों के इंटरेस्ट का रक्षा करेगा, ऐसा प्रपोज करेंगे।